नई दिल्ली में सियासत के रोजाना नए रंग देखने को मिल रहे हैं। कभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 0 सीट पर सिमटी कांग्रेस से गठबंधन की गुहार लगा रहे हैं, तो कभी गठबंधन पर तल्ख तेवर दिखाते हुए नजर आए। कांग्रेस नरम पड़ती हुई दिखती है, लेकिन गठबंधन की अफवाहों के बीच आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को खड़े करके मामले को और भी ज्यादा जो है दिलचस्प बना दिया। लोकसभा में त्रिकोणीय मुकाबले की ओर दिल्ली जो है साफ तौर पर देखने को मिल रही है। शीला दीक्षित के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस बेशक ही पार्टी की मजबूत होने की बात कह रही हो, लेकिन आपको लगता है कि कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनावों में वोट कटुआ साबित होने लायक भी वोट नहीं जुटा पाएगी? दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी के पास गिनाने के लिए सरकार की उपलब्धियां भी हैं। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने बिना देर के अपने 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अपने विश्वास के साथ आज आपको ये कह सकता हूँ कि हर वर्ग, हर धर्म, हर जात, हर उम्र के लोगों से आम आदमी पार्टी को और विशेषकर मुझे जो प्यार पिछले 9 महीने में दक्षिणी दिल्ली की जनता से मिला है, उससे ये स्पष्ट है कि आने वाला 2019 का लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी यदि कोई एक सीट पे सबसे अधिक मार्जिन से, सबसे अधिक मतों से जीतेगी, वो सीट दक्षिणी दिल्ली लोकसभा होगी। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, बहुत प्यार, आशीर्वाद और समर्थन जनता से मिल रहा है, और कहीं ना कहीं 8-9 महीने की ये मेहनत करने के बाद मैं आज विश्वास से ये कह सकता हूँ कि ये चुनाव भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी नहीं हो रहा है, ये चुनाव भाजपा बनाम दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की जनता हो रहा है। दिल्ली में साल 2013, 2014, 15 और 2017 के चुनावों में भी त्रिकोणीय मुकाबला हुआ और इन सभी चुनावों में कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही, लेकिन इस बार प्रदेश कांग्रेस की कमान बदलने से कांग्रेसी उत्साह में है। जमीनी कांग्रेसियों को जगाने में जुटी शीला दीक्षित भी शुरू से गठबंधन पर ना कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को डर इस बात का भी है कि गठबंधन के बाद कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी का बचा खुचा कैडर भी खत्म हो जाए। उधर दूसरी ओर लोकसभा चुनाव को मोदी बनाम राहुल बनाने में जुटी कांग्रेस आपको किसी भी मुकाबले में मानने को तैयार नहीं है। इतना जरूर याद दिलाऊंगी आप लोगों को कि कांग्रेस के राज के अंदर जब कांग्रेस ने 15 बरस राज किया तो दिल्ली की शक्ल बिल्कुल बदल गई थी। यहाँ पर ये मेट्रो कभी ना आती, अब यहाँ पर ये जो हॉस्पिटल्स बने हैं ये कभी ना होते अगर जो कांग्रेस पार्टी ना होती। तो ये हमें अच्छी तरह से याद करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में भी थोड़े ही महीने दो महीने के अंदर पूरे हिंदुस्तान का चुनाव आने वाला है। और मैं आप सब भाइयों और बहनों को कहना चाहती हूँ कि और वो सरकार जरूर बनेगी और हमारे राहुल गांधी जी आगे जरूर आएंगे, मंत्री जरूर बनेंगे। कुल मिलाकर दिल्ली की चुनावी लड़ाई त्रिकोणीय होने के साथ साथ दिलचस्प भी हो गई है, क्योंकि 2014 के त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी 7 सीटों पर विजय रही, आप दूसरे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी, जबकि दोनों दलों को मिलाकर वोट प्रतिशत बीजेपी से ज्यादा था, यानी गठबंधन होता तो भाजपा की राह मुश्किल हो सकती थी। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए विश्वजीत झा की रिपोर्ट।